एक हफ्ता हो भी गया है। हाँ, बिल बना रही। अच्छा है ना, जाने क्या उसको बोलते हैं जी, पेटलेट। हाँ, पेटलेट। इसका पेटलेट अभी कम है। 7 लाख है। कालो कैसी है? ठीक है, कस के बोली थी ना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे दोस्तों, उम्मीद करती हूं अच्छे स्वस्थ हो दोस्तों। अभी तो जो मतलब मेरे साली दोस्तों फुआ की लड़की अभी भर्ती है, तो आप बोलते बुखार उतरा है। वे आईसीयू से बाहर में है ना? नहीं, आईसीयू में ही है पूरा। अभी पता है बुखार तो उतर गया ना? नहीं, वो तो बकरी का दूध और वो सब पपीता का जो मतलब पत्ता का जो ये दिया ना रस का, के उसी से। और सब में दोस्तों पूरा नाक उक में भी मतलब ये हैं, वो वाला सिरिंच वाला जो नहीं होता है क्या, तो चढ़ता मोटा जैसे, हमको नहीं पता उतना। पापा को बता रहे थे तो हम उधर नहीं गए थे, क्यों आईसीयू में भर्ती था तो हम अभी एक बार भी नहीं गए। तो हम बोले जा रहे हैं तो भी जा रहे थे। सुबह सुबह तैयारी कर रहे थे, देखो कितना काम था। सुबह में फुआ बुलाई थी खाना ना लेके, कभी लेट हो गया। फिर गया क्या नहीं सब, कौन उतने 7 बजे सुबह को जा पाता है? काम, गेहूँ धोवाया, खाना बनाया यहाँ पे, फिर मम्मी पूजा रूम भी तो। अरे भाई तो चल जाना चाहिए, हम तो काम पे चल गए दोस्तों, इसीलिए हम नहीं जा पाए। कल तो घर में था ना, तो कल तो दिन भर आप काम चल गए। आए 12 बजे का तो रात, हम आए 12 बजे की बात। आप बुला रहे थे पैसा लेने के लिए, बोल रहे थे कि भेज दीजिए। किसको? आशीष। कौन बुला रहा था? निकू बोल रहा था। हाँ, बहुत सियाना है, पैसा देगा नहीं, खाली घुमाएगा दिन भर। सही में पैसा देने मेरे को बोला था, हम क्या कितना हो रहा है, हाजिरी पे जा रहे दोस्तों काम पे। तो कल से आज संडे ना, छुट्टी है। जल्दी जल्दी करो, तो जाएगा नहीं खाना लेके? बस हो गया, नहाएंगे, हो गया, बाकी इतना कर ले, कुछ नहीं करना। झाड़ू मार के पोछा, झाड़ू पोछा, वहाँ भी थोड़ी सब काम गया। तो नहा धोवा लिए और तैयारी भी हो गए हैं। और देखिए धूप कितना कड़ा है, मत पूछे बापरे। और आशीष जी को जा रहे बोले हैं दोस्तों, गेहूँ भी आज पता नहीं सूखे हो गए, सूख तो जाना चाहिए, इतना कड़ा धूप है दोस्तों। मम्मी सुबह ही धो दी थी गेहूँ थोड़ा बहुत। आंटी क्या बना रही है? चिकन बना रही है। चलिए वहाँ पे देखिए बैठ के चाय पी रहे हैं, बाप रे इतना गर्मी में। और चीनी का डब्बा लेके, वो चीनी का डब्बा लेके बैठता है तो वो चाय पीता है। नहीं, तेरे को मना किया ना मीठा खाने के लिए? गुल्लू का एकदम मना किया, फिर भी वो सुनता नहीं है। जल्दी तुम सरिया उड़िया के बस घर झाड़ मार के पैसा लगा, चाय। चलो आशीष जी चाय पी रहे हैं, उसके बाद फिर हम भी निकलेंगे दोस्तों। हम भी तो तैयारी हो ही गए हैं, निकल रहे दोस्तों। काफी टाइम हो गया, देख रहे धूप कितना हार्ड हो गया, पूरा गर्मी लग रहा है। इतना नहीं चाहे, वहाँ बच्चा अलाउ नहीं है, देखा नहीं वहाँ 14 साल से ऊपर का ही बच्चा जा सकता है अंदर दोस्तों। गर्मी देखे ना, बहुत हार्ड धूप है दोस्तों। चलिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं। पहुँच गया खरंगा झारवा पे, इतना दूर आना पड़ता है, डेली सुबह शाम आना पड़ रहा है अभी, मतलब समझ सकते हैं क्या करें। तो अब हमको आने ना पड़ेगा, अभी पापा भी नहीं थे, ड्यूटी चल गए थे। हाँ, यहाँ पे डब है दोस्तों, अभी डब ले लेते हैं 2 ठो। कहाँ है, कट गया क्या? पूरे एक ही बार में काट दिया। अब हम कैसे पिलाना है ना अंकल, कैसे पिलाना है? तो पिलाइए, खोल दे। हाँ तो खोलेंगे तब तो ऐसे कैसे ले जाएंगे? कैसे ले, पूरा पानी गिर रहा है। आप तो अब नहीं गिरेगा, जो गिरना था गिर गया, पूरा पानी गिर गया। नहीं गिरेगा, पानी ज्यादा रहेगा तो गिरेगा। क्या तुम पी लो, एक तो पी लीजिए, एक तो नहीं रहने, पानी बचे ही नहीं। पानी है, देख नहीं रहे, बचे ही नहीं। क्या पानी कहाँ है, वो बजेगा नहीं रे, नारियल है क्या बजेगा? प्लास्टिक में दीजिए अंकल, ये क्या पानी, फूल है, बजता नहीं है, नारियल नहीं है, ये बजा रहा तू इसको समझी, ये बजने वाला नारियल है क्या? ले जाना, अभी तुरंत पिएगी कि नहीं पिएगी वो बात है ना। पिएगा, कहीं नहीं पिएगी, एक तो ज़्यादा कट गया दोस्तों उसी में। चलिए ले तो लिया नारियल पानी, अब चलते हैं अस्पताल का अंदर। दोस्तों अस्पताल का तो अंदर आ गए हम लोग, अभी आईसीयू रूम में जाना होगा ना। हाँ, तुम तो देखी है? नहीं, उसी में है आईसीयू,
उधर होगा पूछा भी। देखे तो हम लोग नहीं है दोस्तों, आप भी नहीं आए दोस्तों। हम तो उसी दिन आए हैं बस, हम जहाँ हम भर्ती किए थे हमारे इमरजेंसी तो इधर है, नहीं इधर तो चलो वही में होगा आईसीयू ना। हाँ, वही तो होगा। हम लोग आईसीयू में तो पहली बार जा रहे हैं दोस्तों देखने के, ऊपर पहले तो ठीक था वहाँ पर देखे थे नॉर्मल बेड पर, तो ज़्यादा हो गया इसीलिए आईसीयू में शिफ्ट किया गया। चलिए देख लेते हैं, पहुँच गई नंदिनी। उसके बाद निकला फिर एक बार तो पानी दो उसको, पिला उसको पानी, ग्लूकोज पिला ज़्यादा। है अंदर नहीं जाने दे रहा, एक पेशेंट का इतना कंडीशन है, इसलिए तो हटा दिया इसे। अभी ठीक है ना, तो इसीलिए ठीक है, इसलिए निकाल दिया ठीक। अरे उसका हालत खराब था, अच्छा उसका चक्कर दिया कि उसको देख के ये ना चेंज कर दिया मेरा ना, बोला कि जाइए बाहर अभी सामान पैक कर ले, बोला पैक कर ले किसी ज्यादा है अभी ठीक है ना, वीडियो में बोल रहा अभी ठीक लग रहा है दोस्तों, ठीक लग रहा है। एक हफ्ता हो भी गया है, बिल बना रही, अच्छा है ना। आज मत खाना, खाना निकाल के देगा तब खाएगा ये लड़की, अपने से खाएगी निकाल के, वही तो दिक्कत है। इतना बड़ा लड़की निकाल के, अरे खाना बना निकाल के खा लो। सर दर्द खत्म हो गया, इसीलिए सर दर्द से पकड़े रहता था, पिराता होगा, टिप टिप आता बहुत जोर का, हमको खुद ही टिप टिप करता था, वही से ही रहता सर दर्द बहुत जोर वाला, ये हो गया वो तो घोड़ी हो गई इसका। जल्दी चल घर, आप चल जाएगा, आप घर चल जाएगा, चल जल्दी चल गए, आज नहीं जाएगा, कल परसों में देखेगा वो दुधवा बकरी, उसका तो दिल्ली वाले का बच्चा हुआ लेकिन अभी तो होबे किया, आज ही तो होबे किया तो दूध का तो होगा, एक दो दिन, एक दो दिन लगेगा तब दूध देगा, तो उसको वही पतवा देगा वो सब। तो वो हंस तो रही है ना, तो खाली दो दिन से तो चिल्ला रही थी, कहाँ से होगा कितना बार तरस छेद छेद कर दिया इसका हाथ में, तेरे इतना छेद है, यहाँ छेद किया, यहाँ बचा भी कर किया, डेली छेद होता दो छेदा, ये समझ ही रहे हो तो पूरे छेद ही छेद, कितना बार खून निकाले गए, खून निकाल निकाल के गोरा कर दिया इसको, ये कालो दाई थी, कालो से उजला दाई हो गई। चलो जाएगा नहीं घर, जाएंगे आरिफ हुआ वहाँ पे, अभी तो थोड़ा ठीक भी लग रही है, तो कितना अच्छा बात कर रही है, अब जल्दी चल घर वहाँ पे। गुल्लू बुला रहा था, गुल्लू बुला रहा है, दिन भर काओ काओ करता, कालू तो काओ काओ, ले ले आते उसको, मगर नहीं लेके आए, घुसने नहीं देगा, घुसने नहीं देगा बच्चा, सोएगी नहीं सोएगी, तो हमेशा सोते रहती थी, जब आई थी कहीं सोएगी सोएगी खाएगी नहीं, सिर्फ सोती थी, तीन दिन सोई है, नहीं एक दिन में दो गो पी जाएगी हम ठीक लगे, तो जल्दी ठीक हो जाएगा, सब कोई पूछ रहा था कि कालो कैसी है ठीक है, कस के बोलेगी तो ना, बोला ठीक है ठीक ठीक है वो ठीक है। चलो जल्दी आप लोग भी बच के रहिएगा दोस्तों, इतना बढ़ गया ना डेंगू, पूरा अस्पताल में डेंगू, सब बच्चों का डेंगू, किसी का ज्यादा तो किसी का कम थोड़ा, मतलब ये चेक होता है ना, क्या उसको बोलते जी, पेटलेट, हाँ पेटलेट, इसका पेटलेट अभी कम, सात लाख है कम से कम, एक 10 लाख होना चाहिए, मतलब स्वस्थ आदमी का 15 लाख, 3 लाख और आएगा, बोल जल्दी 15 लाख होगा तभी जाएगा, 3 लाख बढ़ा ले जल्दी और घर चल। दोस्तों तो देख लिए अभी तो ठीक है ठाक है पूरा, तो दो तीन दिन से तो बात भी नहीं कर रही थी, तीन दिन से सोई भी थी और अभी तो हंस रही, बैठ रही है, घूम रही है, अच्छा लग रहा उसको, आप लोग तो देखे बोल भी रही थी ठीक है, बोली उसको बुलवा रहे कि बोलो, वो तो कैसे ना पता है ऐसे में कैसे नहीं बोले कि मुँह से पूरा ब्लड आ गया, तो अभी आईसीयू में भर्ती किया गया था, अब तो ठीक है, निकाल दिया पता है किस लिए, वो दूसरा पेशेंट को ज़्यादा हो गया था, होते रहता है, इसीलिए उसको आईसीयू से बाहर निकाल दिया, ठीक है किया आराम से बाहर, अच्छा, ठीक है ना, बस जल्दी आ जाए, अब आज नहीं तो कल तो डिस्चार्ज हो जाएगी दोस्तों, अभी तो देखिए बुखार नहीं आना चाहिए बस, चलिए अब हम लोग यहाँ से घर चलते हैं।
आंटी के घर में सो गया। बाप रे गेहूं में अभी तक सूखा नहीं है। गुलवा देखिए दोस्तों वहाँ पे सोए हुए हैं गुल्लू। सोने देते हैं, उसके लिए लेके आए थे ओएस। हम सोचे कि आते हैं ना तो तुरंत झोला खोजेंगे। रिया क्या बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा घर में गुल्लू है, गुल्लू है, इसलिए उसके लिए लेके आए थे। अब जा रहे हाथ आगे, हाथ पैर धोइए। चलिए रो तो हाथ मुंह तो धो लिए। नंदनी नाश्ता निकाली है, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया नंदनी। हम ना थोड़ा से खाए हैं, ज्यादा नहीं, आधा रोटी आ रहा भी बज रहा, बहुत जोर का पेट दर्द दे रहा था मेरे को भूख से। हाँ इधर कलबला भी नहीं, तो क्या होगा बाबू तो जो पेट में वो मांग रहा हुआ खाना कलबला। इसका भी तबीयत ठीक नहीं था तो इसको भी डॉक्टर पास ले जाना, पर जाती नहीं है, घर में सोएगी खाएगी बस। इधर फंसा हुआ था, इसी को लग रहा फंसा के रखा लग रहा है, बोलती है। हम कल जाएंगे, कल दिखाने के लिए। चलिए तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, चलते हैं। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। बस अब सोच रहे कि जल्दी लौट के अब घर आ जाए अच्छा से, बस टेंशन खत्म हो जाएगा। हाँ अच्छा था। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा जरूर। बहुत ज़्यादा है मलेरिया दोस्तों।